हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय व्लॉग। आज हम वृंदावन गए थे तो मैंने सोचा व्लॉग ही बना लिया जाए। मैंने व्लॉग लेट स्टार्ट किया था जब तक हम यमुना जी पहुँच चुके थे। यहाँ से बांके बिहारी जी मंदिर काफ़ी पास है। लीजिए बिहारी जी के फूल मंदिर के दर्शन कीजिए, कितना सुंदर लग रहा है ना। मंदिर भी और बांके बिहारी जी भी बहुत सुंदर लग रहे थे। ये बारी मेरे पास शॉर्ट क्लिप में थी जो आप देख रहे हैं, जल्दी जल्दी में बना नहीं पाई तो मैंने ये भी ऐड कर दी थी। फिर हम वहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ गए और हमने वहाँ का लोकल फूड ट्राई किया। ये 50 का ढोकला है, पापड़ी चाट 60 वाला है, दही बल्ला 60 वाला है, कांजी वड़ा 50 का है, स्पेशल चीले मूंग की दाल का 100 रुपए का है, आलू टिक्की 50 रुपए का, ये सब आइटम करने के बाद जल्दी से हम निधिवन आ गए थे। और जो ये आप ट्री देख रहे हैं, एक्चुअली ये ट्री नहीं है, ये गोपियाँ हैं तुलसी के रूप में। सुबह ये तुलसी बन जाती हैं और रात में ये गोपियाँ बन जाती हैं। ये बिल्कुल भी डिफरेंट टाइप की तुलसी हैं और ये कहीं भी कभी भी नहीं मिल सकती। ये बांके बिहारी जी के अब जो आप ये देख रहे हैं, ये बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल है। और अब बढ़ते हैं रंग महल की ओर। ना फोटोग्राफी करना मना है, इसलिए मैंने ना आपको बाहर से ही दिखा दिया। दोनों मंदिर दर्शन करने के बाद फिर हमने डिनर किया था और ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में, फिर यहाँ से हम घर चले गए थे। इतना इंटरेस्टिंग व्लॉग नहीं था, थोड़ा सा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। थैंक यू, बाय।